हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट विद नायक। मेरा नाम लोकेश नायक है। अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल ऐसे में कितने बॉक्सेस हैं और ऐसे में कितने बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। तो ऐसे में हमारे वर्टिकली 12 बॉक्सेस हैं और हॉरिजॉन्टली हमारे 9 बॉक्सेस हैं। अब मैं जो फोटो बना रहा हूं, ये रेफरेंस फोटो है। अब इसमें हमने एक रफली गैसिंग किया कि ये साइड फेस का ये साइड ज्यादा है और फेस का ये साइड एज कंपेयर टू राइट वन लेफ्ट वाला जो साइड है ये कम है। तो हमारा जो पोर्ट्रेट होगा इस ग्रिड में हम रफली मेजर करेंगे कि 9 बॉक्सेस में हम कोशिश करें कि 4 to 5 बॉक्सेस में हम फेस को बनाएं, लेकिन उसमें भी राइट वाला पोर्शन में ज्यादा स्पेस छूटना चाहिए और लेफ्ट वाले में थोड़ा कम, जैसे ये फोटो में दिया है। हमने एक रफली गैसिंग की है। तो जब हम स्क्वायर की प्लेसिंग फोटो के साथ करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि राइट साइड ज्यादा स्पेस छूटे और लेफ्ट साइड में कम स्पेस छूटे। ऐसे ही हमने कंपेयर किया कि राइट वाला जो पोर्शन है उससे थोड़ा सा कम या उसका हाफ ऊपर छूटा हुआ है। तो अगर हमारे राइट साइड में 3 बॉक्सेस अगर हम छोड़ते हैं तो हम कोशिश करेंगे 1 to 2 स्क्वायर ऊपर छोड़ दें, फिर हम ऐसे हमारा जो पोर्ट्रेट है ग्रिड में प्रॉपरली कंपोज हो पाएगा। अब मैंने फोटो में भी ग्रिड कर दिया है तो मैंने देखा यहां हॉरिजॉन्टली मैंने काउंट किया स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो हमने पहले जैसे बताया कि हमें राइट में ज्यादा स्पेस छोड़ना है तो हम एक बॉक्स को यहां से क्रॉस कर देंगे। तो जो हमारा 9th वाला है ये बॉक्स हमने क्रॉस कर दिया, बाकी के जो 8 है वो हमारे मोबाइल के ग्रिड के अकॉर्डिंग ड्राइंग होगी उसकी। और हमने ऊपर देखा एक बॉक्स यहां पर छूट रहा है, दूसरे बॉक्स से ड्राइंग स्टार्ट है, मींस पोर्ट्रेट। तो हमने भी एक बॉक्स को ऊपर का जो एक रो है पूरे को कैंसिल किया और राइट में हमने लास्ट वाले रो कॉलम को कैंसिल किया। हमने देखा 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस स्टार्टिंग के 6 बॉक्सेस यहां पर कुछ भी नहीं है। तो हमने देखा था कि पहला रो हमने कैंसिल किया है, उसके नीचे ये जो 6 बॉक्सेस है इसमें कोई ड्राइंग नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 6 पहली रो तो उनकी एम्प्टी गई है तो सेकेंड रो से 3 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 4th में जब आते हैं तो यहां पर कुछ ड्रॉ है, ये देखिए। तो हमें ये अपने 4th ब्लॉक में ड्रॉ करना है। फिर हम नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएंगे। पॉइंट ए पॉइंट बी ये मिड है, मिड से थोड़ा सा आगे ये एंडिंग है। तो पॉइंट ए पॉइंट बी ये मिड है, मिड से थोड़ा आगे ये हेयर्स यहां पर खत्म हो जाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे, कुछ नहीं है, ऐसे ही ये पूरी रो एम्प्टी चली गई। हम इसके नीचे आते हैं, नेक्स्ट रो जो है उसमें पहला ब्लॉक एम्प्टी है, दूसरा भी एम्प्टी है, तीसरे से वर्किंग है। तो हमारा नेक्स्ट रो जो है पहला एम्प्टी, दूसरा एम्प्टी, तीसरे में वर्किंग है। हमने जूम किया,
और पॉइंट ए पॉइंट बी ये मिड है, फिर इसको भी हमने पॉइंट ए माना और पॉइंट बी माना, तो जो उसका मिड है वहीं से हमारी ड्राइंग की लाइन स्टार्ट है, मींस ये वाली लाइन मिड। तो पॉइंट ए पॉइंट बी ये हमारी मिड लाइन मिड पॉइंट है, इन दोनों का भी मिड निकालेंगे तो ये हो रहा है और यहीं से हमारा ये ड्राइंग स्टार्ट। ऐसे मेजर करते हुए हमें सारे पॉइंट्स को पॉइंट रखते हुए मींस अब नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो ये है पॉइंट ए पॉइंट बी ये मिड है, मिड से थोड़ा सा नीचे ये वाला कर्व। तो पॉइंट ए पॉइंट बी मिड, मिड से थोड़ा नीचे ये कर्व, वैसे यहां पॉइंट ए पॉइंट बी मिड, मिड से भी मिड, यहां से वो स्टार्टिंग है। तो पॉइंट ए पॉइंट बी ये मिड हो गया, इन दोनों का भी मिड, यहां से ये हमारा कर्व स्टार्ट है। तो ऐसे ये हो चुका है। फिर ये वाला भी हम देखेंगे, अगर और डीपली देखें तो पॉइंट ए पॉइंट बी ये मिड है, मिड से थोड़ा सा ऊपर, पॉइंट ए पॉइंट बी ये मिड है, मिड से थोड़ा ऊपर ये, मींस जितना ये है उतना ऊपर साइड भी है, जितना ये साइड है उतना ऊपर साइड भी है, तो ये हमारे हेयर्स का ये पोर्शन आ गया। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, पॉइंट ए से थोड़ा नीचे देखेंगे तो ये वाला हमें पॉइंट निकालना है, ये कर्व निकालना है। उसको फाइंड करने से पहले ये जो देखा है हमने, यहां पर हमारा ये पॉइंट बन चुका है ये, तो पॉइंट ए पॉइंट बी का मिड ये होता है, ये एक स्क्वायर बन रहा है छोटा सा। तो हमने इधर भी देखा अपने ड्राइंग में पॉइंट ए पॉइंट बी मिड एक स्क्वायर बनाया, क्योंकि उसमें बन रहा है, हमने इसमें हमें बनाना है। फिर ये जो स्क्वायर बन रहा है इसी के जस्ट नीचे से ये वाला ड्राइंग स्टार्ट है। पूरी ड्राइंग का जो टेक्निक है ग्रिड पैटर्न में हो या फ्री हैंड ड्राइंग हो, मिड को लेके चलेंगे तो हम इजिली लोकेट कर पाएंगे हमारी ड्राइंग का जो लाइन है वो कहाँ आना चाहिए। फिर ये एक रफली हमने देखा, तो इसको भी रफली कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी के मिड पे ये आ रहा है, तो पॉइंट ए पॉइंट बी का ये मिड होगा, तो एक रफली जो हमने मेजर किया था हम उसको ऐसे बना लेंगे। फिर पॉइंट ए पॉइंट बी ये मिड है, ये मिड है, और मिड का भी इन दोनों का भी मिड ये है, तो यहां से हमारा ये एंडिंग है। तो ये मिड है, इन दोनों का भी मिड ये होगा और इसकी ये हो जाएगी एंडिंग। ऐसे ही फिर जितना ये वाला पोर्शन है लेफ्ट, वहीं से ये हॉरिजॉन्टली इतना पोर्शन छूटा है थोड़ा सा कम, तो जितना हमारा ये है उससे थोड़ा कम ये। हम नेक्स्ट ब्लॉक पे गए। अब हमें यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां पर कई बार मिस्टेक ये हो जाती है कि हम प्रॉपर गेस नहीं कर पाते कि ये कितना कर्व में आने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायगोनली ड्रॉ कर लेंगे। हमने इसमें डायगोनल ड्रॉ किया, ऐसे डायगोनल किया और हमने अपने मोबाइल में भी डायगोनली ड्रॉ कर लिया। अब हमने मेजर किया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका मिड ये है, तो यहीं पर ये कर्व स्टॉप हो रहा है, पॉइंट ए पॉइंट बी ये मिड है, इस पे यहां ये कर्व आके स्टॉप हो रहा है। फिर ये वाला कर्व तो लाइन के साथ गया हुआ है, तो ये वाला कर्व लाइन के साथ में थोड़ा सा ऊपर गया बस। अब इसमें हमने देखा कि ये मिड है, मींस अब ये जो सेंटर पॉइंट है तो ये तो मिड ही होगा, इस मिड से थोड़ा सा राइट में, यानी कि ये मिड का भी दोनों का मिड देखेंगे, ये मिड पॉइंट से भी अगर हम इस राइट पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो हमें मिड यहां मिलेगा, तो उससे थोड़ा लेफ्ट में ये लाइन पोर्शन मिल जाएगा। तो पॉइंट ए पॉइंट बी उसका मिड ये होगा, इन दोनों का जो मिड होगा ये, और
इससे थोड़ा सा लेफ्ट में ये जो पॉइंट मिला है ये होगा हमारा कर्व का। फिर तो हमारा ये पोर्शन बन चुका है, ऐसे ही हमारे सारे पोर्शन बनेंगे। अब मैं इसको स्पीड में करूंगा। हमारा स्केच रेडी हो गया है। अब स्केच रेडी होने के बाद हम ऊपर से लाइट एंड शेड डिटेलिंग करते हुए कंप्लीट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे।